मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सोमवार को तारामंडल क्षेत्र में निर्माणाधीन प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का स्थलीय सत्यापन किया। मंडलायुक्त ने प्राणी उद्यान का निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित जीएम राजकीय निर्माण निगम को निर्देश दिया कि प्राणी उद्यान का समस्त कार्य 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने प्राणी उद्यान के निदेशक को निर्देशित किया कि CZA से समन्वय बनाकर निर्माण कार्यों को पूरा कराएं। मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि प्राणी उद्यान के सामने से गुजरने वाले तार को मोनोपोल लगाकर शीघ्र ऊंचा किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्राणी उद्यान के जल निकासी की व्यवस्था के लिए राजकीय निर्माण निगम नाले का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र पूरा कर इस वर्ष के अंत तक आम जनता के लिए आरंभ किया जाए। इस मौके पर ZDA उपाध्यक्ष, निदेशक प्राणी उद्यान, मुख्य अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता जल निगम, मुख्य अभियंता ZDA, अपर आयुक्त प्रशासन, संयुक्त विकास आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, तहसीलदार साहब कहाँ सर? सर मैं सर, ये यहाँ पर आपकी कोई जगह नहीं है ना? सर ये नियर बाई सर तो जो भी होगा टेम्परेरी होगा, परमानेंट तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपकी पार्किंग बहुत छोटी है इसमें। सर ये सामने में इनकी जो जमीन है सर, ये जो ग्रीन बेल्ट बना रहे थे, हाँ ये बहुत ग्रीन बेल्ट का अगर ये पार्किंग है ग्रीन बेल्ट तो है इसकी कोई लाइन नहीं। ये वाली लाइन है ना जो दिला रही है, तो अब आप कह रहे हैं इसकी वजह से आपका क्या काम नहीं हो पाया? फिर रिक्शा कंपनी से हमने दो रात हमारा काम बस शुरू हो गया करता है, हमारे यहाँ तक आ गई है, इसलिए जब वहाँ तक पहुँचेगी तो हम जो है क्या करते हैं थोड़ी मदद कर दीजिएगा। अच्छा ये इन्हीं का उसके बाद से इसकी हम लोगों ने छः बार दी थी और फिर जो आया वो UPRM के जो लोग हैं वो उठर खड़े हो, GM साहब को छोड़ दो। बाकी फिर बात नहीं होता, जब आप मीटिंग डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे ना, अभी आपके मुद्दे डिस्कस नहीं हुए। मीडिया वाले बोलेंगे कमिश्नर साहब ही सोच रहे, आप देखिए सबसे सीनियर मोस्ट सेंस भी मैंने आपको तकलीफ दी है, भले ही वितरण और ट्रांसमिशन अलग है मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए ये मीटिंग हम लोगों ने DC साहब भी थे उस समय, शायद फरवरी में ये बैठक की थी और हम लोगों ने कहा था इन्होंने हमें 90 दिन का समय दिया। अब देखिए भाई बात हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने कहा कि देखिए आपने काम नहीं किया। मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से चीज़ें थोड़ी चलती होंगी, अब हमारे पास जो समय है जैसे अगस्त में भी हमें इंजीनियर का चलता रहेगा, उसकी आप चिंता मत करें। ये लाइन आप नहीं करेंगे तो इनकी सीवर वाली लाइन नहीं जाएगी, ड्रेनेज का सिस्टम उससे बड़ा रहेगा और जू अथॉरिटी से कोई है लेकिन आप जो है हम इसी जगह का वो नहीं करा पाएंगे, दिक्कतें होंगी। इवन एनिमल ही एनिमल के मूवमेंट और तो भाई उनके अपने नियम है और फाइन भी हमें सीखने के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई इनसे नहीं कह सकते ना ये मत देखिए वो मत देखिए, तो हमारे गोरखपुर के सम्मान के लिए हम तो उनको चीज़ पूरी करके देंगे। उसमें आपसे कुछ अनुरोध ये रहेगा कि CZA में देख ली आप वो लाइन के वो जो है वो देखी जा सकते कोई बात करके देख ली, हाँ वो हमारे ठीक है, बट ये कुछ बेयर भी नहीं होगा, खास कर ड्रेन वाला काम जो है ना वो थोड़ा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ड्रेन वाला है, फिर हम चाहते हैं कि एनिमल्स का मूवमेंट वूमेंट शुरू हो जाए। ड्रेन क्लियर होगा तब एनिमल्स, हम ड्रेन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं कर पाएंगे। तो नहीं ड्रेन के लिए अब इन्होंने कह दिया ना जब तक आप हम शटडाउन दे देंगे, तो हमने शुरू कर दिया है सकते हैं तो ड्रेन का कर देंगे। अब आप बताएं कि ये ऊपर वाला काम जो है ये कब तक आप करा सकते हैं? वो डिज़ाइन करके यहाँ पे कर दें, उसका सर्वे भी पूरा करेंगे। टाइम लगता है सर, टाइम लगेगा सर, हमें इस टेंडर से कोई मुक्त कर नहीं सकता, तो दिक्कत ही आती है। तो
हमारे सामर्थ्य में नहीं, उसमें भी साहब अगर हमारा एक करोड़ से ज्यादा का है, थोड़ा काम होता, छोटा मोटा काम होता तो भी कंसीडर। इसमें भी साहब सर ये आप जिन्होंने तो मेडिकल कॉलेज वाला दे दिया सर, हमने 10 तारीख को पैसा दिया हमने, आपने हमें 20 दिन दिए अक्टूबर में किस तारीख तक कर पाएंगे? ये इसमें सर हम उसको पालिका सर्वे आके दस दिन का 6 घंटे का ये शेड्यूल आपको दे रहे हैं, इनसे कहा है कि आप इसको थोड़ा कम करिए, एक दिन में ज़्यादा आगे आइए है जिसमें ये मैंने देखा, मैंने देखा कच्चा सर बनाना तो क्वालिटी अच्छी है। हमारे यहाँ सर यहाँ से ये अंतर हैं उन बारों में इनरिचमेंट एक काम है, वो काम इन प्रोग्रेस है। मतलब मुझे वो काम बताइए जो स्टेशन अथॉरिटी दिल्ली देखे वो काम पहले कराए आपने कहेंगे तो एक हमारा बाहर संप बनेगा जिसमें लाइन जाके जुड़नी है सर। ग्रीन साहब को कहते हैं नहीं नहीं जैसे मेट्रो कॉलेज जो बनाते हैं बताइए और आपका जो टॉय ट्रेन का ट्रैक राजीव धराव कराइए इसे जल्दी कराइए। देखिए ये गोरखपुर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, गोरखपुर जू गोरखपुर चिड़ियाघर, और इस अंचल का भी यदि आप देखें प्रदेश में इस अंचल में कोई भी आसपास हमारा चिड़ियाघर नहीं है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है और सर के कड़े निर्देश रहे हैं कि इसको शीघ्र पूर्ण करना है। थोड़ा सा जो विलम्ब हुआ है वो कोविड की वजह से हम लोग का थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तथापि जो भी कार्य की आज प्रगति देखी गई है वो काफ़ी ठीक दिखी है, और 30 सितंबर तक UPRN जो कार्यदायी संस्था है वो अपना कार्य पूर्ण कर देगी, और उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी का इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन सेफ्टी जो भी नॉर्म्स हैं उनके उसका निरीक्षण होगा, और उसके बाद ये फॉरेस्ट वन विभाग जो है इसको अति शीघ्र यहाँ के जनमानस के लिए इसको खोलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। वर्षांत तक सारे कार्य पूर्ण करके इसको खोलने की संभावना है।